कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आपका ये मंगलसूत्र, आपकी ये भरी हुई मांग, ये कहती है कि मेरे पापा है, पर कहाँ है? तुम्हारे जीवन में काली घटा टल गई, अब भगवान तुम्हें बहुत शोहरत देगा, बहुत नाम देगा तुम्हें। कृति? जी हाँ प्रभु, दोनों के और रति की पुत्री कृति अब मुख्य भूमिका में है। मन पर अंकुश रखना आना चाहिए, वो भी तब जब मन जमीन की धूल को आसमान छूने को कहे। तुम्हें अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाना आता होगा संध्या, पर मुझे नहीं। मैं तो एक दिन तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखा दूंगा, जिस पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। ममता के नसीब में आंसू ही लिखे होते। धोखा खाया ना तूने? देख बेटा, दिल दुखाने वाले का और धोखा देने वाले का हर्ष देख। उर्वशी जो आसमान में उड़ रही थी, नामो निशान मिट गया उसका। ना तो उसकी लाश को चार कांधे मिले, ना ही अंतिम संस्कार हुआ। यही नर्क है और यही स्वर्ग। मौसी मरी नहीं है, वो जिंदा है, बहुत बड़ी अदाकारा रह चुकी है। ये भी होगा कोई उसका इमोशनल ड्रामा। मौसी, जो लोग दौलत के लिए जीते हैं ना, वो बहुत कमजोर होते हैं। उनमें कहाँ हिम्मत होती है खुद को मिटाने की, वो तो बस दूसरों को मिटाना जानते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा। हेलो मॉम, आई लव यू। कैसी हैं आप? कृष्णा बेटा, 100 साल जिएगा तू, हम तेरी बातें कर रहे थे। मेरी बातें चल रही थी? मतलब अब फिर किसी गेस्ट को घर में रख लिया है? मॉम प्लीज, मेरी उससे बात मत करवाइएगा। अरे इस बार गेस्ट नहीं रखूंगी, इंडिया आ जा तेरे पैर में बेड़ियां डाल दूंगी। पाँव में बेड़ियां? मतलब? दो लड़कियां देखनी है मुझे, एक तेरे लिए और एक प्रेम के लिए, और एक ही मंडप में दोनों की शादी कर दूंगी। ले अपने भाई से बात कर। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? हे ब्रदर डॉलर्स किंग, हाउ आर यू? भाई वो आपके हाथ में चोट लगी थी, अभी क्या हाल है आपका? हाँ ब्रदर, पहले से अच्छा है। भाई आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और वैसे मॉम बता रही थी कोई लड़कियां वड़कियां देखी जा रही हैं। मॉम तो शादी को लेकर बहुत इमोशनल है। और वैसे भी ब्रदर आपको तो शादी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि यू आर अ डॉलर्स किंग। हाँ भाई, मुझे तो अभी इंडियन करेंसी किंग बनना है, डॉलर करेंसी किंग तो बहुत दूर की बात है। भाई जिसका दिल टूट चुका हो वो दुनिया की जागीर लेकर क्या करेगा? प्यार में धोखा हुआ तेरे भाई के साथ। तू आ इंडिया, में सब कुछ बताता हूँ ना तुझे। वैसे भी एक बराबर का कंधा चाहिए जिसपे सर रखकर कुछ आंसू गिरा सकूं। भाई जरूर वो कोई बदनसीबी होगी जिसने जिसने मेरे भाई का दिल दुखाया। बट डोंट वरी ब्रदर, आई विल बी देयर इन इंडिया वेरी सून। अपना ख्याल रखना। तेरा ये भाई कृष्णा तेरे एक एक आंसू का हिसाब लेगा। बस तू जल्दी आ जा कृष्णा। ये बता कि तू कब आ रहा है? मॉम मैं बहुत जल्दी इंडिया आ रहा हूँ। I'm coming back very soon. Just wait and watch. Love you, mom. Baap punne ka lekha jokha.
हूँ संदेश, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है भावना दिल की बुरी नहीं है, बस अगर उसे तुम्हारे पापा की शय ना मिलती तो वो हम सब में घुल मिल गई होती। माँ, आपने वो कहावत सुनी है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले ही वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई शहजादी, ऊपर से उसे पापा मिल गए जिन्हें सिर्फ अमीर लोग पसंद हैं, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो। पता नहीं क्यों पापा ने करोड़ों का अस्पताल खोलने की धुन लगा रखी है, और भावना शादी से पहले तो उसने कभी कहा नहीं कि वो अस्पताल खोलना चाहती है, और अब तोते की तरह रट लगा रखी है, अस्पताल खोलना है, अस्पताल खोलना है। माँ, माँ भाभी जब देखो तब हमें नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करती रहती है? पता है हमेशा मुझसे कहती है, सर्वेक्षणी याद रखना मैं किसकी बेटी हूँ, मैं किस घर से आई हूँ। क्या इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचती? बेटा ये मत भूलो कि भावना इस घर की बहू है, संदेश की पत्नी है, तुम्हारी भाभी है, वो इस घर का एक हिस्सा है, हमारा एक अंग बन चुकी है। बस सोचना अब हम सबको ये है कि उसे अपना कैसे बनाया जाए, अपने में कैसे मिलाया जाए। ऐसे नफरत मत रखो उसके लिए अपने दिल में। ठीक है माँ, आप ही बताइए हम क्या करें, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन माँ ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। ठीक है, तुम लोग अब सब मुझ पर छोड़ दो। परसों पहले रानी जौहरी की जिंदगी में एक तूफान आया था, फिर भी मैं घुटने नहीं टेकी, जिंदगी की गाड़ी को यहां तक लाकर खड़ा कर दिया। अब भी एक तूफान आया है, पर रानी जौहरी उससे भी जूझेगी, अपने घुटने नहीं टेकेगी। बस संदेश, मैं चाहती हूँ कि तुम भावना को पत्नी का दर्जा दो, पत्नी का प्यार दो, सम्मान दो, और तुम सब लोग उसे बहू का सम्मान दो। फिर देखना भावना में मैं कैसी तब्दीली लाती हूँ, क्योंकि ताली अगर एक हाथ से ना बजे तो नए सुर और नए ताल से हमें जिंदगी को एक नए सुख सागर में भिगोना है। बेटा सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं अंदर से आ सकता हूँ लाप? अरे आप आइए आइए। भाई आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली अंदर आया करिए। आपके पिता बहुत अमीर आदमी है, चुटकियों में नहीं, ऐसे 10 चैनल तो तुम खरीद ही सकते हो। नहीं क्या मैं बैठ सकता हूँ लाप? हाँ श्योर श्योर प्लीज। सॉरी लाभ, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गया था लाभ, और मैं जानता हूं कि ऊपर वाला कई तरह के पापों को माफ कर देता है, लेकिन एक अहंकारी आदमी के पाप को कभी माफ नहीं करता है, मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि चित्रगुप्त जी ने उस दिन मेरे खाते में यह दर्ज कर दिया होगा। इट्स ओके इट्स ओके। अभी बोलो क्या मूड है तुम्हारा, आई मीन क्या करना चाहते हो? मध्यम मार्ग लाभ। मध्यम मार्ग? हाँ देखो लाभ, ये चैनल तुम्हारा है, इसमें तुम्हारे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, और एक अच्छे मालिक की तरह तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा चैनल घाटा में जाए, मैं जानता हूं। और मैं तुम्हें ऐसे कार्यक्रम दिखाने के लिए मजबूर कर देता हूं, बल्कि लड़ता हूं तुम्हारे साथ उन कार्यक्रम को दिखाने के लिए जो आज के युद्ध में घाटे का सौदा है। मैं राइट? आगे बोलो। मध्यम मार्ग से मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि तुम्हारे चैनल को घाटा भी ना हो, बल्कि बल्कि प्रॉफिट ही हो, और
मेरी और चैनल के उद्देश्य भी पूरे हो जाए। गुड आइडिया। बताओ कहां से शुरू करना चाहते हो? केके साहब, फेमस मशहूर क्रिएटिव डायरेक्टर केके साहब। देखो ला, एक तो वो फिल्म इंडस्ट्री के आदमी है, मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, उर्वशी को स्टारडम दिलाने वाले डायरेक्टर केके साहब है। तीसरी बात, वो इस इंडस्ट्री में चर्चा के विषय हैं, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट नहीं। और चौथी और सबसे अहम बात, हम उनकी उंगली पकड़ कर चलेंगे। मान लो कल को केके साहब किसी बड़ी फिल्म हस्ती को कहेंगे कि हमारे चैनल में आके इंटरव्यू दे, तो मना नहीं करेंगे, और इससे हमारे चैनल को बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो फिर इस कमाई का आधा हिस्सा मैं तुम्हारे चैनल आई मीन तुम्हारे उद्देश्यों में लगाऊंगा। ओके, ये मेरा वादा रहा। काम शुरू करो। यही सुनना चाहता था मैं लाभ। यही मैं अभी केके साहब को फोन लगाता हूँ। शो लेखा जो पाप पुण्य का लेखा जो हेलो केके साहब मैं चित्रांश बोल रहा हूँ, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हेलो चित्रांश भाई, तुम्हारे नाम के साथ ये पाप अच्छा नहीं लगता। यूं बोला करो, चित्रांश पुण्य का लेखा जोखा। थैंक यू सर। कहो कैसे याद किया? बस सर, यूं समझ लीजिए कि पूना के होटल में पुण्यवानों की जो कड़ी जुड़ गई थी ना, उसमें एक कड़ी और शामिल करनी है। जी हाँ केके साहब, कैलाश जी हमारे चैनल में पहली बार पधारे और उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। अब आपकी बारी है केके साहब, मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे चैनल में आकर इंटरव्यू दें। यूं समझ लीजिए कि मुझे आपका वक्त चाहिए। केके के पास वक्त ही वक्त है चित्रांश, अच्छे वक्त पर तुमने फोन किया। केके भी दुनिया से कुछ कहना चाहता है। रखो इंटरव्यू, कब रखना चाहते हो? तो ठीक है केके साहब, फिर एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू करते हैं हमारे चैनल पे, दिल से दिल की बात। डन। ठीक है केके साहब, एक बार सारी तैयारियां हो जाए फिर मैं आपको फोन करूंगा। और हाँ, ये आपके इंटरव्यू के प्रोमोज में अभी से ही शुरू कर रहा हूं। ओके, गुड लक चित्रांश, गुड लक। ओके थैंक यू सर। या लाभ, केके साहब तैयार हो गए इंटरव्यू देने के लिए, और मानोगे, एक पैसे लिए बिना। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा चित्रांश, ये जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, ये तुमसे इम्प्रेस कैसे हो जाती हैं? आई मीन मेरी तो समझ से बाहर। ठीक उसी तरह जैसे बापू से अंग्रेज लोग इम्प्रेस हुए थे और देश बापू के हवाले छोड़कर चले गए थे। सच बोलने से लाभ, सिर्फ सच बोलने से। ये सच की ताकत है। जो भी कहना है निडर भावना से सच कहो, बिना किसी लालच के, फिर देखो कैसा असर होता है। और कुछ नहीं है। ठीक है लाभ, अब मैं चलूं, मुझे काफी तैयारियां भी करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच लाभ। थैंक यू। फेमस डायरेक्टर केके है ना, जिन्होंने उर्वशी को स्टार बनाया था, आज रात को 8 बजे उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है पाप पुण्य चैनल पर,
और आपको पता है ना मॉम, वो मेरे फेवरेट है और मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। हम दोनों साथ में बैठ के आज रात को देखेंगे वो प्रोग्राम, ओके? और आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपना न्यूज चैनल लगा के नहीं बैठोगे। माँ, मैंने कुछ कहा, आपने सुना? ठीक है। ओह मॉम, थैंक यू सो मच, आई लव यू। केके को आज मैं कितने बरसों के बाद देखूंगी, क्या कहना चाहते हैं वो? क्या मैं आज कृति को बता दूं कि यही तेरे पापा हैं और तेरे और उनके शौक एक ही हैं? लेकिन कहीं कहीं दोनों मिल गए और मुझे अकेला छोड़ दिया तो? आइए सर, आइए। वेलकम सर। थैंक यू अंकल, वेलकम टू papun.com चैनल। थैंक यू भाई, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, क्या प्रमोस चला रहे हैं और प्रिंट बेटिया पे तो छा गए तुम लोग। सर दरअसल ये सब लाभ साहब का करिश्मा। हाँ जी, बैठ। लाभ, आरसी का नाम इसी तरह रोशन करो। देखो, बेटों को हमेशा बाप से आगे निकलना चाहिए। गुड लक प्लीज। papunne.com के दर्शकों का स्वागत है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जो रोशन खुदा करे। दोस्तों, यूं तो फिल्मी रंगमंच की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आए अपने अपने वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में एक शख्स ऐसा है जो अजूबा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्क्रिप्ट यानी कि उनका सब्जेक्ट खुद ऊपर वाला देता है, यानी कि गॉड। दोस्तों, वो कई हादसों का शिकार हुए, कई स्टार बनाए उन्होंने। आज वही शख्स हम सब के बीच में मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रिएटिव जीनियस एंड क्रिएटिव डायरेक्टर मिस्टर केके की, और इनका इंटरव्यू ले रहे हैं चित्रांश। केके साहब, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। दोस्तों, यह है केके साहब। केके साहब, papunne.com चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू चित्रांश। papunne.com के दर्शकों को केके का नमस्कार। माँ, देखो कितनी डायनामिक पर्सनालिटी है केके साहब की। He's so genius. अच्छा केके साहब, आपका फिल्मी सफर तो पूरी दुनिया ने देखा है, बल्कि उसे खूब सराहा भी है, लेकिन आपके जिंदगी के सफर के बारे में कोई नहीं जानता। ऊपर वाले ने जिस इंसान को सब्जेक्ट दिया हो, उसी ऊपर वाले ने इस इंसान की निजी जिंदगी में क्या दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मेरा इशारा आपके परिवार की तरफ है, आपकी बीवी की तरफ है, आपके बच्चों की तरफ है। चित्रांश, ऊपर वाला किसी पर यूं ही मेहरबान नहीं होता। उसने मुझे सब्जेक्ट दिया और एक सफल फिल्मकार बनाया, लेकिन उसकी भी कुर्बानी उसने ले ली, मेरी पत्नी रति को मुझसे जुदा करके।
जान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ